हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम ये नौनिया, नौबजिया या सनरोज, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपने ये गमला मेरे चैनल पर देखा होगा, ये मैंने किस तरह से बनाया है। इसमें मैंने ये प्लांट लगाया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ये कौन सा पौधा है। तो दोस्तों आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये पौधा हम इसे घर पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे फूल ये हमें पूरी गर्मियों में देता है। इसकी ज़्यादा देखभाल करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पानी की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से आप बनी हुई घर की टोकरियों में लगा सकते हैं। ये भी टोकरी मैंने घर पे ही बनाई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये बनाया है इसको। और इसमें इस तरह की टोकरियों में लगे हुए ये पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी फूल देते हैं। इसे गमलों में या टोकरी में लगाना बहुत आसान है। इसकी टहनी तोड़ करके आप मिट्टी में लगा दीजिए, ये आसानी से हो जाती है। अपनी क्यारी में, गमले में, कहीं पे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसकी कोई टहनी तोड़ लीजिए, इस तरह से हमने तोड़ लिया है ये, और इसको मिट्टी में ही इस तरह से लगा दें तो ये आसानी से ही हो जाता है। इसमें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि और अच्छा और खूबसूरत वातावरण आपको मिलेगा। मैंने इस तरह से ये टोकरियों में लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी घना हो जाता है। इस पौधे की कटिंग आप गर्मियों में या बरसात में कभी भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। इस पौधे की लंबाई 6 इंच से 1 फीट तक की होती है। इस प्लांट पर दोस्तों कई रंग के फूल आते हैं, जैसे लाल, ऑरेंज, क्रीम, बैंगनी, सफ़ेद, पीले। इस प्लांट को आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, यह आसानी से ही हो जाता है। इस पौधे पर काफ़ी तितलियां आती हैं, इससे आपका गार्डन और भी खुशनुमा हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।